हिंदू धर्म में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार दिन में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में वर्जित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच में ही रहने वाले किन्नर समाज में दिन में शव यात्रा नहीं निकाली जाती। किन्नरों के रहन सहन के तरीके से लेकर अंतिम संस्कार तक सारी चीज़ें आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। घर में कुछ भी शुभ काम हो तो ऐसे में किन्नर जरूर आते हैं। दरअसल हमारे समाज में किन्नरों की दुआ और बददुआ बहुत मायने रखती है। किन्नरों की दुआओं में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए कोई त्यौहार, शादी ब्याह या बच्चा पैदा होने पर ये अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं और जमकर जश्न भी मनाते हैं। लेकिन इनकी मृत्यु उतनी ही अलग होती है। कहा जाता है कि इनके पास कुछ आध्यात्मिक शक्ति होती है जिससे उन्हें मौत का आभास पहले से ही हो जाता है। जब भी किसी किन्नर की मौत होने वाली होती है, कहीं भी आना जाना वो बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, अपनी मौत का आभास होते ही ये खाना भी त्याग देते हैं। इस दौरान ये केवल पानी पीते हैं और ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ करते हैं कि अगले जन्म में वो किन्नर ना बने। तो वही किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है ताकि उसे कोई देख ना ले। तो किन्नरों से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें आज हम आपको बताएंगे। जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो उसकी शव यात्रा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाली जाती है। दरअसल इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि अगर कोई गैर किन्नर उस शव को देख लेता है तो अगले जन्म में उसे भी किन्नर बनना पड़ता है। यही वजह है कि किन्नर समाज नहीं चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति किन्नर बने, इसीलिए रात में बेहद गुपचुप तरीके से शव यात्रा निकाली जाती है। वहीं किन्नर समाज शव को जलाता नहीं है बल्कि उसे दफनाता है। शव को सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है। किसी भी किन्नर की मृत्यु होने पर सबसे पहले उसके शरीर को सभी तरह के बंधनों से मुक्त किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा होने से आत्मा बंधन में रह जाती है, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। किन्नर समुदाय के लोग शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं ताकि दिवंगत किन्नर का दोबारा इस योनि में जन्म ना हो सके। इस दौरान उसकी मुक्ति के लिए वो अपने आराध्य देव को धन्यवाद भी देते हैं। आमतौर पर जब किसी की मौत होती है तो मातम मनाया जाता है, लेकिन किन्नर समाज में किसी किन्नर की मौत होने पर मातम नहीं जश्न मनाया जाता है। दरअसल किन्नर का जीवन किसी नरक से कम नहीं होता, इसीलिए उस नरक से मुक्ति पाने के लिए जश्न मनाया जाता है। इसके अलावा किन्नर की मौत पर दान पुण्य करने की भी परंपरा है। साथ ही किन्नर के अंतिम संस्कार के बाद समूचा किन्नर समुदाय एक हफ्ते तक भूखा ही रहता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्नर माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि शिखंडी की वजह से ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हरा दिया था। मालूम हो कि महाभारत में जब पांडव एक वर्ष का अज्ञातवास जंगल में काट रहे थे, तब अर्जुन एक वर्ष तक किन्नर वृहन्नला बनकर रहे थे। किन्नर समाज में जब भी नए किन्नर को शामिल किया जाता है तो नाच गाना और सामूहिक भोज होता है। किसी नए व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल करने से पहले बहुत से रीति रिवाजों का पालन भी किया जाता है। इसके अलावा किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं, हालांकि ये विवाह मात्र एक दिन के लिए ही होता है। इन तमाम जानकारियों को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।